मुझे कुछ आवाजें आ रही थी कल रात को। मैंने तो ऐसी आवाज नहीं सुनी। जैसे कि कोई चोर घर में घुस आया हो। किसी आदमी के घुसने की आवाजें, चीजें गिर रही थी। कहानी की शुरुआत देव नाम के आदमी से शुरू होती है। यह अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता और जब से इसके पत्नी की मौत हुई ना, तब से ये अपना अकेलापन अपने साथ ही बिताता है। इसके घर में एक हॉट वाली नौकरानी भी रहती है जिसका नाम झुमकी है। ये जैसी दिखती है वैसे ही इसके कारनामे भी है। झुमकी घर के कामों से लेकर देव की मसाज तक करती है। झुमकी अपना ज़्यादातर समय इसी घर में बिताती है तो अपने पति को उतना समय नहीं दे पाती, इसलिए वो रोज़ अपने पति को वीडियो कॉल करके उनका मनोरंजन करती है। और अभी वही वाला सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। झुमकी की जवानी तो पूरी खाते लाना है, पूरे पैसे वसूल कर देगी ये झुमकी रानी। इनका ये वाला लाइव सीन चालू होता है कि तभी देव आकर इनका पूरा कार्यक्रम देख लेता है। देव झुमकी पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और आइंदा से उसे ये सब करने से मना करता है। झुमकी अपने मालिक से माफ़ी मांगती है और अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसकी गारंटी भी देती है। अब रात को देव के बेस्ट फ्रेंड राज का फोन आता है। देव सिर्फ राज के साथ ही बात करता है, दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है। राज कल अपने दोस्त से मिलने आने वाला है, वो भी एक खास तोहफे के साथ। तोहफा गजब वाला होने वाला है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अब अगले दिन सुबह सुबह राज देव के घर आ जाता है, वो भी अपनी बेटी रिया को लेकर, और वो सरप्राइज यही था। दरअसल राज अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए यहीं पर रखने वाला है। राज को कुछ काम है और रिया को अकेले में रहने में बहुत ही डर लगता है, पर देव रिया की मलाई वाली जवानी देखकर उस पर तो लट्टू हो जाता है, तो इनके बीच में ज़रूर कुछ केमिस्ट्री होने वाली है। अब कुछ दिनों बाद रिया देव के बहुत ही करीब जाने लगती है। पता नहीं पर मुझे रिया के इरादे कुछ गलत लग रहे हैं। रिया देव के साथ बहुत ही फ्लर्टिंग करती है और ये अंदाज देव को बहुत ही पसंद आता है। फिर एक दिन रात को कुछ सामान टूटने फूटने की आवाज़ आती है तो देव क्या चल रहा है ये देखने जाता है, जहाँ पे उसे रिया किसी और लड़के के साथ रोमांस करते हुए देख लेता है। देव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, पर सच्चाई यही है। खैर जो भी हो, यहाँ पे पूरे 12 मिनट का दमदार वाला पलंतोड़ सीन देखने को मिलता है। आलिया नाच का पॉम फिगर देखकर ही सभी के पैसे वसूल हो जाएंगे, पर ये सीन उतना भी खतरनाक नहीं है जितना हम एक्सेप्ट कर रहे थे। अब अगले दिन रिया रानी अपना योगा करने में लग जाती है और अपना देव बाबू रिया को ये सब करता देख वो तो बस रिया को घूरता ही रहता है, क्योंकि रिया इतने खतरनाक अंदाज में योगा करने लगती है कि किसी का भी लंड खड़ा हो जाए। फिर रिया अपने साथ देव को भी हॉट वाला योगा करना सिखाने लगती है, जहाँ पे रिया देव को यह हवा छूकर उनके जिस्म में करंट लगवा देती है। फिर रात को रिया फिर से एक लड़के के साथ टपाटप करने लगती है और इसकी आवाज़ें देव के कानों तक जाती है, जिन्हें सुनकर वो लाइव शो देखने आ जाता है और फिर से सभी को आलिया नाच का गजब वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है जो ठीक ठाक ही है। इसी बात को देखते हुए देव अगले दिन रिया को उसी की बात घुमा फिरा कर बताने लगता है, पर रिया कुछ भी नहीं कहती। दरअसल ये रिया रोज़ अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर रोज़ उसके साथ टपाटप करती है और इसका पता देव को अब लग चुका है, तो अब की बार बिना सोच विचार करके देव रिया पर ट्राई मारने जाता है, पर रिया उसको गंदी गंदी गालियां देकर उनको भगा देती है। पर देव इसका बदला ज़रूर लेगा, वो भी पार्ट टू में, क्योंकि पार्ट वन की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर मुझे ना ये आजकल लुल्लू की वेब सीरीज ज़रा भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि ना कुछ स्टोरी होती है ना हॉट वाले सीन होते हैं, जो भी आ रहा है वो सब बनाते जा रहे हैं। खैर जो भी हो, आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी मिलकर उल्लू से यही रिक्वेस्ट करो कि चरम सुख पलंग तोड़ जैसी वेब सीरीज लाए, ना कि ऐसी वेब सीरीज। प्लीज़ उल्लू अच्छी वाली वेब सीरीज ज़रूर लाना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।